अखरोट खाने के फायदे, समय, मात्रा और सावधानियां। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अखरोट के बारे में। अखरोट को सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अखरोट खाने के क्या फायदे हैं, इसे कब और कैसे खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किन लोगों को अखरोट से दूर रहना चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं अखरोट के बारे में और इसके अद्भुत फायदों के बारे में। अखरोट क्या है? अखरोट एक प्रकार का मेवा है जो अखरोट के पेड़ से प्राप्त होता है। इसकी बाहरी परत कठोर होती है लेकिन अंदर का हिस्सा नरम और खाने योग्य होता है। अखरोट स्वाद में हल्का कड़वा और चबाने में कुरकुरा होता है। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स का एक समृद्ध स्रोत है। अखरोट के फायदे। नंबर एक, दिमाग के लिए फायदेमंद। अखरोट का आकार दिमाग जैसा होता है और यह सचमुच हमारे दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। रोजाना अखरोट का सेवन करने से याददाश्त बेहतर होती है और दिमागी थकान कम होती है। यह बुजुर्गों में अल्जाइमर जैसी बीमारियों में भी बचाव करता है। नंबर दो, हृदय के लिए फायदेमंद। अखरोट का सेवन करने से दिल की सेहत में सुधार होता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट दिल की धमनियों को स्वस्थ रखते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करते हैं। इससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। नंबर तीन, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। अखरोट में विटामिन ई, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसे नियमित रूप से खाने से बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है जिससे आप संक्रमण और बुखार से बचे रह सकते हैं। नंबर चार, हड्डियों के लिए फायदेमंद। अखरोट में कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। खासकर बढ़ती उम्र में हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। ऐसे में अखरोट का सेवन करने से हड्डियाँ स्वस्थ रहती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव होता है। नंबर पाँच, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद। अखरोट में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा को जवान और चमकदार बनाए रखते हैं। इसे खाने से त्वचा में नमी बनी रहती है और झुर्रियां कम होती हैं। इसके साथ ही अखरोट का तेल बालों को भी पोषण प्रदान करता है जिससे बाल मजबूत और चमकदार बनते हैं। नंबर छः, वजन नियंत्रित करने में मददगार। अगर आप अपना वजन नियंत्रित करना चाहते हैं तो अखरोट खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें प्रोटीन और फाइबर की उच्च मात्रा होती है जो आपको लंबे समय तक भूख का एहसास नहीं होने देती और इससे ओवर ईटिंग की समस्या से बचा जा सकता है। हालांकि इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए क्योंकि इसमें कैलोरी भी अधिक होती है। नंबर सात, डायबिटीज को नियंत्रित करता है। अखरोट का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके नियमित सेवन से इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है। अखरोट कब और कैसे खाएं? अब जब हमने अखरोट के फायदे जान लिए हैं तो आइए जानते हैं कि इसे कब और कैसे खाना चाहिए ताकि इसका अधिकतम लाभ मिल सके। नंबर एक, सुबह खाली पेट। सुबह के समय खाली पेट अखरोट खाने से इसका अधिकतम फायदा मिलता है। रात में अखरोट को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इसे खाएं। भिगोने से अखरोट का बाहरी छिलका मुलायम हो जाता है और इसका पोषण तत्व आसानी से पच जाते हैं। यह दिन की अच्छी शुरुआत के लिए ऊर्जा देता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। नंबर दो, सलाद या स्नैक्स के रूप में।
आप अखरोट को अपने सलाद में शामिल कर सकते हैं या स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। इसे दही, ओट्स या अन्य फलियों के साथ मिलाकर खाने से इसका पोषण गुण और भी बढ़ जाता है। नंबर 3, दोपहर में। दोपहर के समय भी अखरोट खाना फायदेमंद होता है। यह आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और दिन के बीच में भूख लगने पर एक स्वस्थ विकल्प हो सकता है। नंबर 4, रात में अखरोट। रात में सोने से पहले हल्के नाश्ते के रूप में भी अखरोट खाया जा सकता है। यह नींद को बेहतर बनाता है और रात के समय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रखता है। हालांकि रात में अधिक मात्रा में अखरोट खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह भारी महसूस करवा सकता है। कितने अखरोट खाने चाहिए? अखरोट एक पौष्टिक आहार है, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन 2 से 4 अखरोट खाना पर्याप्त होता है। इससे आपको सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं और शरीर पर इसका कोई नकारात्मक असर भी नहीं पड़ता। ध्यान दें कि अत्यधिक मात्रा में अखरोट खाने से पाचन समस्या, गैस और वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है, इसलिए हमेशा संतुलित मात्रा में ही इसका सेवन करें। किसी अखरोट नहीं खाना चाहिए। अखरोट बहुत फायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए या सावधानी से करना चाहिए। नंबर 1, एलर्जी के मरीज। जो लोग नट्स से एलर्जिक होते हैं, उन्हें अखरोट से भी एलर्जी हो सकती है। इसके लक्षणों में खुजली, सूजन, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ शामिल हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की नट्स से एलर्जी है, तो अखरोट का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नंबर 2, पाचन समस्याओं वाले लोग। कुछ लोगों को अखरोट खाने से पेट की समस्या हो सकती है, जैसे गैस या अपच। इसका कारण यह हो सकता है कि अखरोट में उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जो कुछ लोगों के पाचन तंत्र के लिए भारी हो सकता है। अगर आपको इस तरह की समस्या हो तो अखरोट का सेवन कम मात्रा में करें या किसी डॉक्टर से परामर्श लें। नंबर 3, मोटापे से ग्रस्त लोग। अखरोट में उच्च मात्रा में कैलोरी होती है, इसलिए जिन लोगों को वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इसका सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए। ज्यादा अखरोट खाने से वजन बढ़ सकता है। नंबर 4, खून पतला करने वाली दवाइयां लेने वाले लोग। अगर आप खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं, तो अखरोट का सेवन सावधानी से करें। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो खून पतला करने का काम करता है। इसलिए ज्यादा अखरोट खाने से खून का अत्यधिक पतला होना जोखिम भरा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे अखरोट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी सेहत में सुधार ला सकते हैं, लेकिन इसे सही मात्रा और समय पर ही खाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि संतुलित आहार ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अखरोट के इन फायदों के बारे में जान सके। स्वस्थ रहो और मस्त रहो।